बाप कस्बे में आज दोपहर में कुछ देर हल्की बरसात होने के बाद रात होने तक रिमझिम फुहारे गिरती रही। शेखासर व आसपास के गांवों में एक घंटे से भी ज्यादा समय तक जमकर बारिश हुई। बरसात होने से रामदेवरा जा रहे पैदल यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। धोलिया निवासी जेठू सिंह मालदेव ने बताया कि धोलिया, अमरे का बेरा, बारू आदि गांवों में अच्छी बरसात हुई। धोलिया में अब बरसात से किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों की फसल पानी में बह रही है। कई खेतों में फसलें पानी में डूबी हुई है। अमरे के बेरे के पास सड़क पानी में बह गई। पूर्व उप सरपंच भंवर सिंह ने बताया कि टेपू जोधाणी व दूरगाणी कानासी में भी अच्छी बारिश है। भारी बरसात के बाद शाम को दुर्जनी गांव में पदम सिंह भूमिया जी के थान के पास से तेज बरसाती नदी बहनी शुरू हो गई, जिससे बारू, फलोदी व बाप का संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पहले भी टूटी हुई थी। पहले हुई बरसात के बाद क्षतिग्रस्त हुई सड़क को ग्रामीणों ने कंक्रीट डालकर सही करवाया था, लेकिन आज जोरदार हुई बारिश के बाद वही नदी से सड़क और कंक्रीट वापस बह गए। बाबा रामदेव के पैदल यात्रु बाप से होकर रामदेवरा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बीकानेर, हनुमानगढ़, सरदार शहर, चुरू, उस क्षेत्र के कई जगहों से पैदल यात्रु बाप होकर रामदेवरा जा रहे हैं। ये यात्रु बाप से शेखासर व सिहड़ा होते हुए रामदेवरा पहुंचते हैं, लेकिन यह मार्ग वर्तमान में खस्ता हाल है। सिहड़ा गांव से पहले एकमात्र सड़क मार्ग पर पिछले 15 दिनों से अधिक समय से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि इस बार अत्यधिक बरसात हुई, खेतों में पानी भरा पड़ा है। जहां सड़क के दोनों तरफ खेत है, वहां पानी सड़क मार्ग तक फैला हुआ है। इस समय रामदेवरा के पैदल यात्रुओं व दुपहिया पर जाने वाले यात्रुओं को काफी दिक्कतें आ रही है। कई यात्रु साइकिलों को कंधे पर उठाकर बाहर निकालते भी देखे जा सकते हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान द्वारा सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन PRA पर जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान में हुई 2 दिवसीय कार्यशाला में बाप पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कल्याण सिंह की सिल सरपंच केशाराम मेघवाल ने भी भाग लिया। सरपंच मेघवाल ने बताया कि 2 दिवसीय कार्यशाला में ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए सतत विकास लक्ष्य की विस्तृत दी गई। साथ ही सतत विकास लक्ष्य की ग्राम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से बताया भी गया। कार्यशाला में विभाग के अधिकारियों के साथ ही प्रदेश से सरपंचों व अन्य पंचायत राज जनप्रतिनिधि पहुँचे थे। बाप पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कानासर के नारायण नगर निवासी पर्यावरण प्रेमी वरिष्ठ शिक्षक ओम प्रकाश विश्नोई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एका भाटियान फलोदी को शिक्षण भामाशाह प्रेरक राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी और सामाजिक सरोकार में बेहतरीन कार्य करने पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान कक्षा 9 से 12 के लिए 2024 से सम्मानित किया जाएगा। जयपुर के बिड़ला सभागार में 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर होने वाले इस भव्य व रंगारंग कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री द्वारा विश्नोई को सम्मानित किया जाएगा। फलोदी जिला मुख्यालय पर इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स फलोदी जिला इकाई एवं सर्व समाज समिति के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को पत्रकार स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह आयोजित होगा। समारोह को लेकर संगठन से जुड़े पत्रकार साथी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिला अध्यक्ष रामवतार बोहरा ने बताया कि सम्मान समारोह गायत्री पैलेस नंबर 1 में सुबह 11 बजे शुरू होगा।
कार्यक्रम का आगाज दीप प्रज्वलित के साथ होगा।